कारपोरेशन की टीम एक जगीरा लेके आ गई है दुकानों ढा ढाई भी करने लिये, क्योंकि इस दुकाना उत्तों कदी कदी रोटी चलती है, कई परिवार की रोटी चलती है, पर कारपोरेशन टीम इतने पहुंची है। जो धक्के का जवाब है धक्के ना करांगे, फिर ये नहीं हटते, फिर अभी धक्का ही करांगे, कोई भी अगे आ जाए असं मरण को तैयार बैठे हैं, जो सानू तंग करूगा इन्हों का सिर पाट पाट के भेजेंगे, बख्शांगे नहीं इन्हों बिल्कुल भी। असं पटवारी साहब कोई सही जवाब तो दो, कोई कनको साहब कोई सही जवाब, तुम मौके से आए हो, तुम अधिकारी हो, तुम्हारे को प्रोपर कागज होने चाहिए, क्योंकि कई घर उजड़ रहे हैं। जिहड़े मौके दे ढाण आए ने उन्हां तों कागज ही नहीं हैगे, तो जिहड़े इत्थे दे पुराने कौंसलर साहब आ उन्हां नूं मूंह जवानी सारा कुछ याद आ, पर जिहड़े पटवारी ते कनको साहब आ उन्हां नूं कोई याद ही नहीं भी 72 वोटां किन्ना का की है नहीं है। इहनां नूं इह पुछो भई जीरो नंबर गली कदी हुंदी है कागजां च, इन्हों की जीरो नंबर गली है, देखो नवा काम इन्हों के नाक्षे के गली नंबर जीरो, कभी अज तक गली नंबर जीरो हुई है, एक तो शुरू होती है, इन्हों का सारा मैं वो कि बैठ के इन्हों पहले तो चाहिए डिसिपलिन बनाना, वो रूल बनाना, भी नाला इन्हों पुछो भी नाला कितने पटवारी साहब। कमिश्नर साहब ने मैंने कहा, वो कहते साढ़ा 650 करोड़ का प्रोजेक्ट खराब होंगे जे सर नहीं ढोंगे, मैं कहा 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वेरीफाई करो कोर्ट च पेश हो के लोगों का जो भी हैगा सही जवाब देवो, तुम उसे ठीक है, तुम जो मर्जी करो जी, पर उन्होंने 23 तरीक पई हुई है कल। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, सो दोस्तों आइटम जिहड़ा की आ शिवपुरी पुल के उत्ते खड़े आ, जिथे तुहानू दिखा दिया कि 40 तो 50 साल पुरानी दुकाना जिहड़े नाले उत्ते बनिया उन्हूं अज जिहड़े कि कारपोरेशन की टीम वल्लों ढाण लई एक भारी जखीरा लैके आया गया आ, सो इत्थे तुहानू दस दिए कि जिहड़े जिन्हां लोगों दी दुकाना आ वह इत्थे किद्दां उलझले नज़र आ रहे, क्योंकि ये दुकाना बहुत पुरानी इत्थे बनिया हुई ने, पर अज कारपोरेशन की टीम एक जखीरा लैके आ गई है दुकाना नूं ढा ढाई भी करने लिये, क्योंकि इस दुकाना उत्तों कदी कदी रोटी चलती है, कई परिवारों की रोटी चलती है, पर कारपोरेशन टीम इत्थे पहुंची है, लोग इत्थे तुसीं देख रहे हो लोग जिहड़े इत्थे उलझ रहे ने एक दूजे दे नाल, ते अधिकारी भी उलझ रहे ने, सो इत्थे जिन्हां दी दुकाना है उन्हां नाल भी गल करदे आ। पप्पी जी अज एक ढैटे करना है दुकाना, किन्ने घटो घट 40-50 साल तो सानू हो गए, 40 साल तो उपर हो गए मेनू इत्थे बैठा नू, ये सुत्ती भी सरकार, ये सरकार कित्थे है, रुपये लै लैके अपने घर नू भरी जांदे है, कानगो पटवारी आ लेना देना जो भी है ये रुपये लैके सारे काम अपनी जो जेब भरी जाते हैं, ऐसा करते धक्काशाही साडे गरीबों का धक्काशाही कर रहे, जिथे इन्हों नोट मिलते हैं उत्थे जाके जेबा भर के अपने चले जाते, पर उत्थे जाते नहीं, कोई नोटिस आया तुहानू, नोटिस आया 9 दिन का टाइम दिता, असीं साडे कोर्ट केस लगे हुआ, साडा साडे कोर्ट केस विच फिर टाओ जी टाओ इन्हों को टाओ, कोर्ट केस लगे हुए भी कोर्ट केस लगे ढाण वास्ते आ गए साडे कोले, इन्हां दा हल इन्हां दा इही च रखांगे, जो धक्के जवाब है धक्के ना करांगे, फिर ये नहीं हटदे, फिर असीं धक्का ही करांगे,
कोई भी अगे आ जाए असं मरण तैयार बैठे हैं जी। जो सानू तंग करूगा सिर पाट पाट के पेचेंगे बख्शांगे नहीं इन्हों बिल्कुल भी अभी घट्टो घट 60-70 साल पुरानी दुकाना दसिया जा रही जेड़ा रोटी दे बच्चे साढ़े बराबर के हो गए जी साढ़े जमन तो पहला दिन दुकाना 80-80 साल हो गए हैं जब 23 तारीख को टाइम दिते तो फिर दो दिन पहले कि आ गए मशीन लेके थे एक बंदे को 200 बंदे ना तो बच्चे पूरे हो गए कोर्ट दे ऑर्डर लेके आ जाए कोर्ट दे ऑर्डर साढ़े कोर्ट कल बैठे ने कोर्ट दे विच कल कोर्ट ने दो दिन का नोट दिता 23 तारीख तो बाद अपना जो मर्जी को सानू कोई नहीं मिलता तोड़ दो भाई जी ठीक है बाकी आ जड़े आसे पासे दुकाना फैक्ट्रिया बनिया हुई सब कुछ बनया कुछ नहीं उत्थे कोई नहीं जाता उत्थों नोट मिलते हैं कारपोरेशन वाली भुखी है भुखी गौरमेंट है ये सरकार निकम्मी सरकार आई है सरकार का बेड़ा गर्क होवे साडे बच्चों का हक होंदे होवे इन्हां दा सत्यानाश होवे इन्हां दा बेड़ा गर्क होवे इन्हां दा एक सत्या बंदा किदां इत्थे अपनी दिल दी गल करदा पिया सो तुसीं देख रहे हो सो जिहड़े अधिकारी साडे नाल खड़े गल करदे आ सो जैन सर जिहड़ी आई दुकानां ढाने कोई मामला है की है पूरा सर ये साढ़े ड्राइंग ब्रांच वालों इस गलते बुढ़े नाले के उपर जी इंक्रोचमेंट्स है वा और बारे रिपोर्ट की गई थी कि ये जड़िया रजिस्ट्रियां है ना नोटिस दिते थे नोटिस देने तो बाद जो रजिस्ट्रियां इन्होंने दिखाई सानू और मुताबिक चैक किया गया साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन ने जोड़े साढ़े ड्राइंग ब्रांच के है उन्होंने चैक करने तो बाद क्लीयर किया वा कि रजिस्ट्रियां जो काबजदार है वो इतने के नहीं है इन्हें दूर है दैट इज इनक्रोस्ड सर जिदा कि उन्होंने कह लिया कि सानू असी अदालत में केस लाया दो दिन का टाइम है 23 तरीक तक तो सानू उन्होंने कहा भी 23 तरीक तक जो रजिस्ट्रियां नहीं जो कोई तुहाडे कोल पुख्ता डाकूमेंट है फिर तुसीं ढा दिओ पर अज्ज दो दिन पहले ही आ गए जो टाइम पीरियड तो पहले साढ़े कोल नहीं है सानू तो इतने आके इन्होंने दिखाया वा कि असी कोर्ट केस किया वा इन्हों को किसी का कोई स्टेज नहीं है जी पर सर एक जी पिछे ये बिल्कुल बैक साइड से एक डेरा भी बनया हुआ था पिछे एक फैक्ट्री बनी है जी है ना स्टैप बाय स्टैप चलते पे हैं जिथे जी भी है एक प्रोजेक्ट चलता पे और मुताबिक जो भी कार्रवाई हैगी है लीगली जो भी है साढ़े ATP साहब भी है खड़े ने ड्राइंग ब्रांच के है जो इन्होंने जो टैक्निकली रिपोर्ट हैगी है उन्होंने वालों की गई है पर जिदा सर तुम कह रहे हो स्टैप बाय स्टैप चल रहे पर लगता नहीं कि जो लोग इको बारी जिदा सारे उत्ते कार्रवाई हो तो फिर कितने किसम का भी बराबर का इंसान मिले जिदा हूँ इतने तुम ढा रहे हो पिछे वाला सोचता कि पैसे लैके जे साड़ी वर्डिंग नहीं उन्होंने वर्डिंग है कि पैसे लैके चुप किए हुए फिर वो एक दूजे का धक्का होया लगता नहीं इको बारी सारा काम किया जाए बार बार इदा की कोई गल नहीं हैगी है किसी कोई पैसे नहीं जी इनक्रोज हैगी है आफ्टर हाई कोर्ट के ऑर्डरस भी है जिते भी इनक्रोज है वा कार्रवाई करने वास्ते है पर सर कई बार असं भी देते हैं ये कितने ना कि सिफारशा भी लड़दियां ने बिल्कुल इधरले पासे नाले से जावे जिहड़ा कि है शमशान घाट के सामने पार्किंग बनी हुई है मेरे सामने तोड़ रहे थे फिर उपरों की कोल आती है छड के चल जाते हैं सर इदा भी फिलहाल मेरे दिमाग च मेरे नॉलेज के विच गल नहीं है जी चीज़ हैगी है वो वास्ते सानू हुण ऑर्डरस कंपीटेंट अथॉरिटी के ऑर्डरस है मुताबिक असं इतने आए पर सर एक कई साल तो इतने बैठे ने 12 साल बाद मल की थक सरकार भी देती पर 40-40-50 साल तो बैठे ने कितने ना कि लगता नहीं फिर भी धक्का ही है एक तरह क्योंकि एको बार जो कार्रवाई तो सारे तो कट्टी होनी चाहिए जिदा मैं पहला गया सर इदा की गल नहीं है सारी चीज़ा जो कानून के दायरे के रह के ही कार्रवाई हो रही है जिन्हों के हंसते खेडते घर उजड़ जाएंगे जिन्हें रोजगारी रोटी परिवार ही इतों चलता पे सर इदा की कोई ये हूँ असी इस चीज़ को असी कही जिमें तुम गल कही है हसते खेलते परिवार है सर हूँ जो साढ़े को रिपोर्ट आई है इनक्रोचमेंट है असी और उपर की कार्रवाई करिए दसो जो तो मैं एक पुरानी वीडियो भी कट के दिखावगा जिद कि सर ये पिछले जी फोन आए तो रुकी से इनक्रोचमेंट आइटम उधर भी हाई कोर्ट के आर्डर आए थे सर और भी चीज़ है तुम शेयर करोगे असी जो भी साढ़े हैगा वा उस मुताबिक कार्रवाई करा जो भी कानून मुताबिक सो दस दिए कि अज एक बार फिर तो जरा कि इतने माहौल जरा तनावपूर्ण हो गया सो इधर हवड़ा थबड़ी का माहौल मचिया हुआ क्योंकि कई घर के जोड़े कि आ चूल्हे ठंडे होने वाले आ जिन्हों का इतों की रोज़गार चलता है सो जी सो कुछ सो इतने एक कुछ मामला की होया की होया अमित की होया की होया की होया अमित गड्डी चाबी अमित की होया की है ओ भाई ओ डैडी नु उन्हें चाचा जी नु हो गया यार सो एक शख्स वालों जेड़ा की घबराहट जा कोई कारण नाल उन्हें कुछ किस तरह का प्रॉब्लम आ गया क्योंकि जेरे घर का दुकान टूटने वाली हो कितना कितने जेड़ा रोजी रोटी का जरिया बंद होने वाला हो बंदा क्योंकि अटैक वगैरह की हो माड़ा थोड़ा दस सकते माड़ा पेशेंट है देखो तो उन्हों जी दुकान ढहन आई है सो एक दम ही
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 12 ਤੇ 12 20 ਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 40 ਬੰਦ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਕਦੇ ਮਿਲਣੇ ਹੁਣੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹਾਂ ਪੱਪੀ ਧੰਗਾਨ ਮੀਟ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਖਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਢਾਣ ਆਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੜਫੇਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੇਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਤੋ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੋ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰੀਆ ਨਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਰੋਚਮੈਂਟ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਾ 72 ਫੁੱਟ ਆ ਜੀ 72 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ
कानूनी नक्शा जरा आ पुराने 1900 तो बने हुए नक्शा 72 फुट नाल आया। सो ये दस दी एक पास एग्जिस्टिंग है कागज नक्शे सारा कुछ है इन्होंने को जो कि बहुत पुराने समय के लग रहे हैं। ऐसी जगह दे जी सारे हां जी हां जी जगह जी अपने को रखे रखे ते पर सर जिदा अधिकारी कह रहे ने उन्ना कोई इदा दा जेड़ी तुहाडे आ कागजा विच नहीं नजर आंदे। मैनू सुन लो अधिकारियां नु असीं मिले सी उन्होंने कागज दिखाए कि नाला तुहाडा इत्थे इन्ना आ इस गल वाली जगह नहीं है जी प्राइवेट वो कहिंदे जी सरकारी नगर मैं कहा सरकारी जगह सानू खस्ते नंबर देवो उन्होंने खस्ते नंबर दिते अपने सरकारी जगह के वो सारियां वेरीफाई की कारपोरेशन नक्शियां सर्वे की उसे उन्होंने कागजा मुताबिक नक्शा जो आ 72 फुट आ फिर वो कहें जी सानू नहीं पता ये जगह ताडे उत्थे निकलता है। मैं क्या इको मालक की बेची है चाहे रजिस्ट्रियां उस इतने ने यह जगह तो प्राइवेट ना ये सरकारी नहीं है जी सरकारी जगह नहीं है इस करके जरा गलत ना करो जी। कमिश्नर साहब ने मैंने कहा वह कहते साढ़ा 650 करोड़ का प्रोजेक्ट खराब होंगे जे सीमेंट होंगे का मैं क्या 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है वेरीफाई करो कोर्ट पेश हो के लोगों का जो भी हैगा सही जवाब देवो तुम उसे ठीक है तुम जो मर्जी करो जी पर उन्होंने 23 तरीक पई हुई है कल जो प्रोजेक्ट के आदि भी ने जी इन्हों की बनती कीमत वह तो मिलनी चाहिए देनी चाहिए है सानू ही नहीं अगले भी सारे लोगों नाला जोड़ा आ जितों पिछों चल रहा है 1900 चल रहा है और 150 तो लैके 70 फुट 72 फुट चल रहा आसे पासे 350 करोड़ के प्रोजेक्ट लोग उजाड़े जा रहे हैं चाहे असी नहीं लोगों उजाड़ जाना है तो जो उजाड़े जाने ने उन्होंने गवर्नमेंट वालों सारे जोड़े आ पैसे बनते हैं जमीन अक्वायर करो उन्होंने फर्दा जमा बदिया सारिया देख के अक्वायर करके उन्होंने पैसे उन्होंने देवो जी मतलब कि हाथ जोड़ के लगते लगो पर यह नहीं है कि तुम उन्होंने अक्रोचमेंट ना दे के नाले की जी नाले की सफाई हो रही है नाला वधिया बन रहा है ये हो रहा है तो लोगों के जमीन दब के बिना पैसे देते हैं। अभी भी कहने चलो स्मार्ट सिटी बनती है जरूरी भी है पर जे जिदा कोई प्रवासी मजदूर आके झुग्गे झोपड़े पा के बहुत सरकार उन्होंने फ्लैट बना के दिंदी है पर इतने तो किसी की रोजी रोटी का सवाल लगता नहीं इन्हों को कितने होर जगह दी जाए जाए इन्हों का कितने होर रोजगार का जरिया बनाया जाए फिर उखाड़ा जाए बिना बिना जरिया बनाना इन्हों कभी भी उजाड़िया नहीं जाना चाहता। एक तो यह है कि जे तो यह सरकारी जमा तो बैठे आ सरकारी जमीन निकलती है इन्हों की मेहनती के मुताबिक बेशक कितना सारे एक छड़ के एक पासे खड़े हो जावे साडा बंदा कोई भी उंगल नहीं चकेगा पर गल यह है कि सरकारी जमीन ना होंदे हुए प्राइवेट जमीन सारिया आसे पासे सारे पासे जो नाला बनया 70, 75, 100 फुट तो ज्यादा जो प्राइवेट जमीन ने लोगों के सारे के कले कले मैं नक्शे कले कले उन्होंने सारिया चीज़ा लिया देना जी। मैं कहना लोगों नाल तक्का ना करो जी उठाना जलंधर भी जलंधर भी इको दम आए हैं कुछ सू नहीं पता जी मैं भी तुम उसे की होया कि नहीं मैनू इस एरिए का पता इस एरिए मेरी गलबात हुई है वो मैं कागज कारपोरेशन रूट किए हैं और एक चीज़ सुनो कमिश्नर ने कहता ज्वाइंट कमिश्नर जी ने मिलो ज्वाइंट कमिश्नर जी ने कहा कि 8P नूं मिलो 8P जी ने गांह इंस्पैक्टर जी ने मिलिया सारे कागज दिखाए अखीर मेरे नाल पटवारी नाल गल हुई पटवारी साहब नाल गल होने तो बाद मेरी गल हुई कहते जी इधर खसा उत्थे मैं कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक मालक ने वेचिया किसी नूं इत्थे बिठाता किसी नूं उत्थे बिठाता तुहाडी सरकारी तां नहीं हैगी उहदा अगलो की जवान हो गया सानूं तां इरीगेशन डिपार्टमेंट ने कहा हुण मैं उत्थे फिर कोर्ट च केस कीता चाहे इरीगेशन आ चाहे सरकारी पटवारी ने चाहे कोई ने कोर्ट के जाकर जवाब दे दें कोर्ट में पेश हो के कोर्ट इन्हों अलाउ कर दिए ठीक है कोर्ट कहती है कि इन्होंने मुआवजा देवो ठीक है जे कोर्ट कहती इन्हों उदा ही उजाड़ दो उदा कर दो पर कल 23 तरीक न कोर्ट च पेश तो हो जाने की तुम जो 2 दिन पे हजे तो एक समा लिता गया है उस गेट अभी कल कोर्ट च केस किया उन्होंने इन्होंने 23 मुलाया एमरजेंसी उस स्टेज पहले कहते कि कारपोरेशन सुनना चाहते हैं वो कहते ठीक है कारपोरेशन सो इतने पुराने कौंसलर पुरी साहब आए हैं तो पुरी साहब ने गल करें पुरी साहब इतने तुम बहुत पुराने हो की दस दौ मामले पता की है इतने इन्हों की जगह ही है नहीं इन्होंने लिख के मैं दिता हो दिखा देना मेरे को कागज ले लो ये कहते साड़ी ये जगह ही है नहीं कार सज्जे खब्बे फिर तुम देखो बुढ़े नाले की चौड़ाई इन्हों पता कि नहीं है कि 12 फुट है कि 10 फुट है कि 172 फुट इतने 172 फुट है जी इन शहर तो जाओ हूँ जरा तुम सुन लो जो तुम ज्यादा कर लो इतने चौड़ाई इन्हों महकमे चैगी है ये चौड़ाई 72 फुट मौके पर हैगी 150 फुट अच्छा इन्हों जगह ही है नहीं पहला तो जाके पटवार करने देखो पटवारियों को भी मेरे को लिखा हुआ है तहसीलदार को भी मेरे को लिखा हुआ भी इन्हों इतने कोई हक नहीं है इन्हों पुछो इन्हों दिखाओ भी थोड़े कागज सरकारी प्राइवेट पहले इन्हों कहो थोड़े ठहर जाओ हूँ भाऊ जी पुछ रहे
पता ही नहीं है। चलो इन्हों जे इन्हों की जगह हैगी है, इन्हों को अपना इंतकाल दिखाओ, अपनी रजिस्ट्री दिखाओ, थोड़ा पटवारखाने नौ चढ़िया दिखाओ, थोड़े डिपार्टमेंट चढ़े थोड़े। इन्होंने रिक्वेस्टा की हूँ जे इन्हों जिस वे इन्ना चिर हो गया बुढ़ा नाला करी जाते, ये बुढ़े नाले के नौ दे खाई जाते हैं। पहला इन्होंने पत्थर दियाँ बना दी आले दुआले सड़क, फिर दूजिया बना दी, फिर मिट्टी दियाँ बना दी, वो कितने है जी इन्नी इट की सड़क बनी थी? इन्हों पुछो वो इटा दिन इन सड़क बनिया, वो इटा है कितने करोड़ों दियाँ? वो कितने इटा इंतकाल अपने नौ दे चढ़ाण जमीना दे, इन्होंने लिती कितों है? आ हुण मेरी जगह है कहिंदे असीं गिरधारी लाल तों लिती है। गिरधारी लाल दे 109 गज जगह दे नौ है, तो तुसी 10,000 स्क्वेयर फुट गिरधारी लाल तो कितों लै ली? देखो कागज देखो, और कोटा में देखो, हूँ कोर्ट च मेरिया डिग्रियां हुई सारिया ही सारिया डिग्रिया हुई हूँ। इन्हों दुकान इन्हों बना के इन्हों बना के देंदे ऑर्डर हो हूँ। आ बिल्डिंगा खड़ी है और खड़ी और कि बुढ़े नाले बिच खड़िया नाले बिच खड़ी पहले तो उन्होंने टाण और डावर दी देखो आ डाबर का कि बड़े प्लाट मल्ले पे है आ डाबर दे देखो आ डाबर दे टहाण इन्हों क्यों नहीं किसी माड़ की गरीब नाली तक छोटे छोटे बंद टहाण इन्हें ये भी बेचारे मुलाजमान परेशान करते हैं। कोई इन्हों का अपना कोई उत्तर रूल नहीं, कोई डिसिपलिन नहीं, कोई लेना नहीं। इन बेचारे नवे जोड़े मुलाजम आए हैं वो पिछले पुराने हो गए, उम्र बीत गई उन्होंने चलेगी, वो कुछ कर ना सके, हूँ नवे बेचारे आए हैं। इन्हों अपने डिपार्टमेंट का नहीं पता कि साढ़े रजिस्टर की लिखा है तो बाहर की अंदर की है। इन्होंने अपने जो कि पूरी कौंसलर बीते दो तीन बार कौंसलर रह चुके जिन्होंने इस नाले बारे पूरी जानकारी है। सो दस दिए कि इन्होंने कहने के मुताबिक अगर व्डिया व्डिया फैक्ट्रियां ने जो विधायक सुरिंदर डावर दियाँ भी दस रहे हैं जो उन्होंने जगह इंक्रोचमेंट भी दस रहे हैं, पर कहते हैं तकड़े हाथ पाने वेले हाथ कंबदे तो माड़े वेले तो फटाफट हाथ डंडे भी चलते हैं। सो इतने डंडे भी खड़े हुए हैं, तो पर गरीब लोग जेहड़े कि अपना घर बार बचाने लिए अपने रोटी रोटी का जरिया बचाने लिए इतने खड़े ने, पर उन्होंने घर वाली भी परिवार भी आके इतने रो रहा, पर वो अत्रू नहीं देखते। पर तकड़े बंद रही बिल्डिंगा यू दियाँ त्यूँ कार्रवाई तो पहला तकड़े तो होने चाहिए, फिर गरीब न तो आप ही नत्त पै जी है। मेरिया दुकाना बना के देंदे ऑर्डर हो इन्हों ऑर्डर है, और मेरिया दुकाना देख लो मेरे को ऑर्डर इधर ढाना है थोड़ियाँ बना मेरिया दुकाना। अच्छा आ मोहरे दुकाना खड़िया गरेवाल दी इन्होंने डिग्रियां हो चुकी इन्होंने डिग्रियां हो चुकी आ मोहरे जिहड़ियां गरेवाल दीआं दुकाना है इहदीआं डिग्रियां हो चुकी हैं, इन्हों ढा नहीं सकते, हाथ नहीं ला सकते। अच्छा फिर इन्हों पुछो इन्हों डिपार्टमेंट च देखो एक कहते फुद्दू फगवाड़े दे इन्हों ये पुछो भी जीरो नंबर गली कभी होंगी है कागजा च? इन्हों की जीरो नंबर गली है, देखो नवा काम इन्हों के नक्शे के गली नंबर जीरो कभी अज तक गली नंबर जीरो हुई है एक तो शुरू होती है। इन्हों का सारा मैं वो कि बैठ के इन्हों पहले तो चाहिए डिसिपलिन बनाना, कोई रूल बनाना भी नाला इन्हों पुछो भी नाला कितने पटवारी साहब पटवारी साहब भी इतने आए ने उन्होंने भी गल कर रहे हैं क्योंकि जिस शख्स को पता है वह शख्स भी नाल आ पटवारी साहब भी देखते हूँ की कहना पटवारी साहब का क्योंकि पटवारी साहब इतने आए हुए ने मौजूद ने दस इन्होंने जो कानू इन्हें बुलाओ इन्होंने जो कानू है बुलाओ मैं हूँ ही दिखाना आ बुलाओ पटवारी हूँ ही दिखाना तुम हूँ ही आओ पटवारी साहब हूँ इरीगेशन इन्हों छजरा देखो छजरा छजरे के बुढ़ा नाला ना वह नौ नंबर गली से चलता है ये बुढ़ा नाला इतने नहीं चलता छजरा देखो पटवारी का इन्होंने कहो कारपोरेशन अपना छजरा देखो कटो छजरा लियाओ छजरा बुलाओ साहब सिर्फ मोटिया तनखावां ते कागज विच जो मंगल ते असल नक्शे साडे कोल पे हुए है असल नक्शे है आओ पटवारी साहब वाल आपां चलदे हां आ जाओ पटवारी साहब वाल चलदे हां देखदे हां पटवारी साहब दा की कहना जी देखो जी 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 इधर एक मिनट सानू कर लो देखो भाई जी पूरी साहब सामने आओ पूरी साहब पटवारी सर तुसी हो पटवारी सर एक दूजे वाल करिए जिम्मेदार बंदे हो मौके पे पहुंचे हो एक तुसी हो के दस दो अभी कनको साहब सो कनको साहब साढ़े मौके पे पहला इतने कौंसलर रह चुके ने माड़े इन्हों की गलों का जवाब तुम दियो
ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਾਣ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ 70 ਫੁੱਟ ਆ 70 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੜਾ छजरा लिया चक के मेरे को नहीं तो मैं लिया देना छजरा लिया चक के पहला तो बुढ़ा नाला ही इतने नहीं है बुढ़ा नाला 9 नंबर गली को छजरा बाई जी को डिपार्टमेंट च है मतलब छजरा इन्हां कोल हैगा उन्हां कोल अपने कोल कुछ नहीं है छजरा मेरे को देखो छजरा मेरे को छजरा देखो पुराना छजरा अपना समान लेके क्यों नहीं मंगा लेना सर तुम एक सीनियर एकनगो ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਇਓ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋਣ ਦੇਣਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਨਗੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਨਗੋ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਫੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਓ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੈਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੜਾਈ 72 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੇ 72 ਹੈ 72 ਰਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਈਟਮ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਰ 72 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 72 ਫੁੱਟ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 72 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦੋ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਲੀ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਨਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਓ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ ਆ ਲੋਕ ਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਸਰ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ पर जो अधिकारियां अपने घर वाले जी रोजी रोटी का जरिया बचाने लिए मिन्नत करदियां पईयां ने पर पटवारी ते कनगो साहब आए ने जिन्हां कोल डाकूमेंटेशन नहीं है जिम्मेदार अधिकारी एक जिहदे कोल कागज नहीं है क्योंकि जिहड़े मौके ते ढाण आए ने उन्हां तों कागज ही नहीं है तो जिहड़े इत्थे दे पुराने कौंसलर साहब आ उन्हां नूं मूंह जवानी सारा कुछ याद आ पर जेड़े पटवारी ते कनगो साहब आ उन्हां नूं कोई याद ही नहीं भी 72 वोटा किन्ना का की है नहीं है सो इत्थे तुहानूं दिखा दईए कि भारी अज प्रशासन इत्थे भारी प्रशासन वाले इत्थे पहुंचा आ ते माहौल भी काफ़ी गरमा चुका सी तां जिहड़ियां कि 3-4 JCB मशीनां लैके इत्थे MCL दे अधिकारी पहुंचे हुए ने सो हाथ में इधर डांगा भी तुम देख ही सकते हो क्योंकि जे कोई ये बिघन पाता है तो वो डांगा भी फिरनिया सी पर इधर कोई पटवारी तो कनको साहब को पुख्ता कागज नहीं है सो कौंसलर साहब इधर जेडे पुराने कौंसलर साहब एक्स कौंसलर साहब इतने गल करते पे ने अधिकारियों के नाल सो तुहानू दिखा दिए जी कितों लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जी इधरले पासे कैमरामैन नूं मार के दिखाऊंगा निगा कि आ जिहड़ा बुढ़ा दरिया आ इधरले पासे बुढ़ा दरिया है तो बुढ़े दरिया के एक साइड से जिहड़ियां दुकानां बनिया हुई ने ये दुकानां अज प्रशासन ढाण आया हो
ते बिल्कुल ही दूजे पासे जे इधरले पासे गल करा तो किनारे ते दुकाना आ जिहड़ियां उन्हां दी डिग्री होई होई आ ओह दुकाना नूं जदों इन्हां ने पहला ढाया सी ते कारपोरेशन नूं ही आर्डर होए आ वी इह दुकाना बना के दित्तियां जाण। सो किस तरह की यह राजनीति है, किस तरह की यह गल आ कि एक पासे दुकाना ढा रही तो दूजे पासे उही कारपोरेशन नूं दुकाना बना के देण दीआं डिग्रियां दित्तियां होईआं ने, इह वी इक वड्डी गल आ। सो कारपोरेशन अधिकारियों नाल भी बाद चो गल करते हैं कि हुण इस मामले में की मोड़ आते हैं। धिंगान साहब पहुंचे हो मौके के उत्ते, कई घर टुटन के कगार के उत्ते आ इस टाइम, तुसीं सरकार दे विच भी सरकार दे नाल भी हो पर पिछे एनक्रोचमेंट आ वड्डे लोगों दीआं, पर इत्थे एक लोगों की जिन्हें रोजी रोटी चलाने लई सिर्फ काम करते उन्हां दी तोड़न आ गया, पर जिन्हां दी वड्डियां फैक्टरियां उदां ही इहदे विच पहली गल तां एनक्रोचमेंट नहीं है, इन्हां दी रिश्तियां होईआं होईआं घट्टो घट 35 साल हो गए रिश्ती इन्हां दे कोल हैगी आ, और ये कारपोरेशन टैक्स भी दे रहे हैं और लंबे समय तो इतने अपना कारोबार करके अपने बच्चों पाल रहे हैं। और जे दी रिपोर्ट असी नगर निगम लुधियाने के कमिश्नर मैडम ने मार कराई हुई है, उन्होंने कहा सी रे इंक्वायरी कराई जाए क्योंकि इन्हां दीआं रिश्तियां होईआं होईआं और ये मालक ने, और जिहड़े मालक होण रिश्तियां होईआं होण उन्हां नूं कीवें तोड़ सकदे आ, तां इह शरेआम धक्केशाही है और धक्केशाही असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। सो धिंगान साहब चलो असीं मन भी लैंदे आ कि लुधियाणा स्मार्ट सिटी दे प्रोजैक्ट हेठ सानूं इह दुकानां ही लोड़ आ, पर की इहनां नूं बणदा हक नहीं देना चाहीदा कि इहनां दा कितें रोज़गार चलाउण लई कितें होर जगह नहीं देनी चाहीदी? बिल्कुल, जे कोई इहनां नूं लगदा वा इह जगह दी लोड़ आ तो बह के पहले सैटलमेंट कर होर इन्हों की थां दुकान देन ता जो अपनी रोजी रोटी चला सक, क्योंकि रिश्तियां हुई हुई वसीका जो रजिस्टर्ड होया 1992 का होया होया नाले ये देखो तुसी 92 तो अज किन्ने हो गए 35 साल तो ज़्यादा हो गए, और ये मैं समझता कि शरेआम धक्का वा और धक्का असं बिल्कुल होन नहीं देवे ना बिल्कुल बर्दाश्त करा, वो सू जे मर्जी हद तक जाना पड़ेगा। इस टाइम सरकार के लगता सरकार थोड़ी मनेगी कि इन्हों लोगों राहत मिलेगी? हर सरकार साड़ी अपनी है और सरकार के मानयोग MLA साहब न उन्होंने मैं गल सारी दसती है और उन्होंने कहा भी आई धक्का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जिथे समाज की गल आ जाए जिथे रोजी रोटी की गल आ जाए क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे पालने हैं और 35 साल तो ज़्यादा हो गए अपने बच्चे पाल रहे हो। सो देखते हैं जो कि सरकार के नुमाइंदे खुद इतने पहुंचे ने, जो सरकार के भी आइटम ने, सो देखते हैं कि इन्हों की भी गल सरकार मानती है कि जो गरीबों के उत्ते जी लटकती तलवार है इदा ही बरकरार रही है, क्योंकि इतों कई परिवारों की रोजी रोटी चलती है। अज उन्होंने परिवार भी सहमे हुए इतने मूँह उतरे हुए खड़े ने, पर एक गल करते हैं सरकारी अधिकारी इतने पहुंचे ने पर पुख्ता कागज़ किसी को नहीं है, जेडे मौजूदा एक्स कौंसलर इतने मौजूद ने उन्होंने को मूँह जबानी यादगार है। एक पास जीडिया दुकाना आ इन्हों ढाण की गल की जा रही है कारपोरेशन वालों, एक पास दुकाना आ जिहड़ा कि कारपोरेशन वालों बनाने की गल की जा रही है क्योंकि उन्होंने हक च डिग्री हुई हुई है। सो यह भी एक बहुत वड्डी लापरवाही जां विडंबना आ जिहड़ी कि कहिंदे आ कानून एक नहीं हैगा, यह भी साडे इहदे विच साफ देखण नूं मिलदा। सो नवीं अपडेट लई जुड़े रहो साडे नाल, देखदे रहो प्राइम उदय न्यूज़ चैनल, कैमरामैन दलेर दे नाल मनोज जीरा।